तो बोले भंडारी, मैं आपका दोस्त मंगल फिर आपके सेवा में हाजिर। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2020। आज का हमारा विषय है, देखो विषय ध्यान से सुनना, नोट कर लेना, बार बार रिप्ले कराकर। इनके पीछे बड़ी मेहनत है और बड़े भारत के फायदे के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए ये सब एक्सरसाइज की जा रही हैं। ये रिजल्ट निकाले गए हैं, ये रिजल्ट प्रकृति ने हमें दिए हैं। सुनिए आज का विषय, समस्त भारत, विशेष रूप से सबसे पहले इलीट वर्ग। मेरी सब बातों को, विशेष रूप से प्रार्थना वाली बात को तुरंत सुन लेना, वरना देखो एक एक शब्द इसमें खास महत्व रखता है। समस्त भारत वर्ष के लोग, विशेष रूप से सबसे पहले भारत का इलीट वर्ग, मेरी सब बातों को और सब बातों को नहीं सुने तो विशेष रूप से प्रार्थना वाली बात को तुरंत सुन लेना, वरना। देखिए आप कहोगे भाई ये इलीट वर्ग का ही क्यों लिखा है और सब, क्या तुम्हें बुरे लगते हैं? नहीं भाई, सब एक, मेरे को कोई बुरा नहीं लगता, सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें इलीट वर्ग का कोई खास दायित्व है। किसी वजह से, किसी तरह से सारी शक्तियां उनमें केंद्रित हो गई हैं। यदि एक बार भी प्रभावित हो जाते हैं, यदि वो मेरी बात को समझ लेते हैं, यदि उनको ये बात समझ में आ जाती है, तो ये समझ लो और लोग तो आसानी से समझ लेंगे। क्यों, अब ये विशेष आप ही जाने कि सारा मीडिया उनके हाथ में, शिक्षा उनके हाथ में, धन पैसा उनके हाथ में, प्रचार तंत्र उनके हाथ में। यदि वे समझ कर ऐसा करने लगेंगे तो सारा देश ऐसा करेगा और सबके फायदे के लिए होगा। अब हम अपनी बात पर आते हैं, वरना। वरना तो ये है, इसको हम अभी बताते हैं आपको। ये देखिए, ये हमारा ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला, जिसकी हम कहते हैं कि परमात्मा ने हमें दिया। वह क्या, उसका एक छोटा सा हिस्सा लो, ये ट्रायंगल। ये संसार जीरो से निकला है, जीरो से फिर वो दो हिस्सों में बटा, प्लस माइनस, फिर ये तीन चीज़ें हमारे ब्रह्मांड को चलाती हैं, जीरो प्लस माइनस। हाँ तो भाई ये इसका क्या अर्थ है, हम बताते रहते हैं। फिर इसको ऐसे समझ लो कि जीरो कर्म और फल जीरो है, कोई फल और उसका कारण जीरो, प्लस माइनस कर्म और फल। हाँ भाई ये भी सही है, ये ऐसा निकला और ये इस तरह से निकला। फिर इसको ऐसे समझ लिए, समझिए कि इसका और जनरलाइजेशन क्या होगा, हम उस चीज़ को समझ लेते हैं लेकिन उसको अभी अंदर से नहीं समझते। कर्म फल को सब कहते हैं, सही है ये, लेकिन इसको अपन हृदयंगम नहीं करते। अब इसको देखिए, जीरो प्लस माइनस जीरो कर्म फल यहाँ कैसे लागू होता है। जीरो यह है, इसमें कर्म फल का सिद्धांत लगा। रमेश ने मछली को खाया, रमेश ने मछली को खाई, मछली खाई तो यह एक हिस्सा हुआ। फिर इसका तो जीरो वाला सिद्धांत तो तभी लागू होगा, सारा संसार जीरो तभी चलेगा जब हुआ कि इस माइनस का भी कोई अर्थ हो। इस माइनस का रिजल्ट यही निकलता है कि मछली ने रमेश को खाया। भाई देखो, या तो ये सिद्धांत गलत है, ये प्लस माइनस जीरो वाला सिद्धांत गलत है, जीरो से ब्रह्मांड नहीं बना और फिर दो टुकड़े नहीं, ये गलत है। यदि ये सही है तो ये भी सही है, ये भी लागू होगा कि रमेश ने मछली को खाया तो समझ लो कि मछली ने भी रमेश को खाया। ये दोनों चीज़ें एक साथ ही घटित हो रही हैं। इसका एक एक्शन का तुरंत उसका
उसका रिएक्शन हो गया, जैसे हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन में न्यूटन के सिद्धांत या जैसे भी समझते रहते हैं ऐसा, तो भाई ये हो गया। लेकिन भाई हमें तो ऐसा नहीं दिखता कि भाई रमेश ने तो मछली खाई लेकिन मछली ने रमेश को नहीं खाया। तो भाई इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि उस नियंता के द्वारा इस सृष्टि को बनाना और इसको चलाना, उसने अपने सिद्धांतों के अनुसार इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया होगा, इसने वो जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के रूप में इम्प्लीमेंट किया, इसको अभी हम आपको बताते हैं कि वह अपना कर्म फल उसने तुरंत नहीं दे दिया देता, वो कुछ तुरंत दे देता है, कुछ पास्ट में देता है और कुछ फ्यूचर में देता है। चलो हम इसको बताएंगे, पहले इसको हम और क्लियर कर लें। अब हम चौथे ट्रायंगल पर आते हैं, ये जीरो प्लस माइनस। देखिए यहाँ हम एग्जांपल देते हुए फिर गांधी नेहरू परिवार से हम बहुत माफ़ी मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन उन्होंने देश को शासन किया है, देश ने उनको इतना इज्जत दिया है, तो कभी कभी भाई किन्हीं किन्हीं एग्जाम्पल्स में रिसर्च में उनका नाम तो आएगा ही। देखो फिर यहाँ क्या आया, जीरो प्लस माइनस में एक बटे दो गांधी नेहरू परिवार का दर्दनाक अंत हुआ। ये एक फैक्टर है, ये हुआ कि भाई ये ऐसा हुआ। तो इसका न्यूलीफाई, इसका जीरो तभी होता है जबकि भाई गांधी नेहरू परिवार ने दर्दनाक मौत दी होगी। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का नियंता जो बड़ी बड़ी निहारिकाओं को, बड़े बड़े अनंत ब्रह्मांडों को अपनी अंगुली पर नचाता है और सारा संसार पिन पिन घूमता है, वह ऐसा क्यों करेगा? किसी के साथ अन्याय क्यों करेगा? वह ऐसा क्यों अन्याय अत्याचार वाला दुनिया बनाएगा कि रमेश मछली को खाता जाए और बेचारी मछली लाचार होकर दूसरों का ग्रास बनते रहे? नहीं, ये नहीं हो सकता। रमेश ने मछली को खाया तो मछली भी रमेश को या तो उसको पहले कुछ खा गई या अब खाया होगा या आगे खाएगी। ऐसे ही ये हमने ये बोला कि भाई गांधी नेहरू परिवार का जिसका हमें दुख है कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर हम एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये हमारा ट्राइंगल हुआ पांच नंबर। ये जीरो और प्लस माइनस हमारे सामने क्या घटित घटना हुई कि चित्तौड़गढ़ में 10,000 रानियों ने पकड़ने के डर से जल्दी जल्दी में जलते हुए अग्नि कुंडों में कूद गई और भस्म हो गई। भाई एक भयानक घटना हुई इतिहास में कि खिलजी आया, कौन आया, 10,000 रानियां अग्नि कुंड जलाकर कूद गई कि हमें कोई इज्जत जारी, हम उनके हाथ नहीं पड़ेंगी। एक घटना हुई। तो प्रकृति में जो ट्रायंगल का सिद्धांत, जो बेसिक सिद्धांत बताता है, ये ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं हो पूरा होता, इसका पूरा होने के लिए यह हुआ होगा। राजा महाराजों ने कभी औरों की बहन बेटियों को पकड़ा होगा। देखिए ये जीरो दोनों मिलकर तो तभी होंगे, और इसका जीरो होना न्याय जरूरी है। कभी कभी ये अलग क्यों किया परमात्मा ने, नियंता ने, इस सृष्टि को चलाने के लिए? वरना जीरो ही जीरो रहता तो अनंत शून्य अनंत रहता, जिसमें कुछ भी नहीं होता, ये संसार बनता ही नहीं। और इस तरह से हुआ, इसका बुरा मत मानना, इसका रिजल्ट तो यही निकलता है। और आप भी देखेंगे कि हाँ यार ये निकलता तो है, निकलना ही चाहिए। वो कहेंगे हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हो सकता है बहुतों ने नहीं किया होगा, बहुतों ने किया होगा, या बहुतों ने पहले कर दिया होगा जो अब भुगतना पड़ रहा है, या आगे करने की सोच रहे होंगे। लेकिन यह संसार तो इस नियम के द्वारा जो फंडामेंटल रूल है ऐसे ही गवर्न होता है। अब ये देखिए आजकल की जो हम उथल पुथल देखते हैं, हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आजकल की जो हम उथल पुथल में ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक क्या कर रही है, भूख मर रहे हैं, कोरोना आ रहा है, और ये भाई ये यूपी में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सारी उथल पुथल का बहुत से कारण हैं। लेकिन मेन रीजन जो है उसको ये समझो कि ट्रायंगल से निकालो कि ये जो हो रहा है वह क्या हो रहा है। भारत में सबल लोगों ने
शक्तिशाली लोगों ने सबको धनहीन, शिक्षाहीन और शस्त्रहीन बना दिया और उनको भयानक रूप से अपाहिज, अन्याय, अपाहिज बना दिया। और उसके बाद में क्या किया, उनके बहन बेटियों के साथ हजारों साल तक कितना दुराचार करते रहे। ये तो एक फैक्ट है, ये तो सबके सामने है कि बड़े लोगों ने ये नियम बनाकर जब वो ताकतवर थे ऐसा किया। लेकिन प्रकृति का ये चक्र तो घूमना है, उसको संसार को चलाना है, इसलिए सुनो कि वर्तमान का विप्लव उसी का परिणाम है। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन वर्तमान का विप्लव ये उसी का परिणाम है। प्रकृति ने चाहे कोई हजार साल पहले हुआ हो, लेकिन प्रकृति में क्या होता है, फिर ये हमारा 7 नंबर का है। देखिए, हमारे सामने है पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, ये 3 हमारे काल हैं। भूतकाल में कुछ हुआ, फिर उसका प्रेजेंट में कुछ हुआ, भविष्य में कुछ होगा। पास्ट को हमने पी से लिया है, प्रेजेंट को P1 से, फ्यूचर को F से। तो देखिए इसमें परमात्मा क्या रिजल्ट देता है, क्या रिजल्ट देता है। एक एक बराबर है जो दूसरे 2 के बराबर है। P1 plus P1 = F, P1 plus F = P, P plus F plus P1। परमात्मा हमें ये रिजल्ट देता है, ये सामने दिखते हैं कि ऐसा हो रहा है। लेकिन हम मॉडर्न एलजेब्रा को देखें या गणित के नियम को देखें तो तुम कहोगे कि मंगल यार, तेने तो ने सारे मैथमेटिक्स को भसोट कर दिया, ये कैसे हो सकता है। यदि P plus P1 = F है तो फिर ये दूसरा ये नहीं हो सकता कि P1 plus F = P हो जाए। ये तो इधर का इधर लाओगे तो उसके निशान बदल जाएंगे और ऐसा नहीं हो सकता। हम हमारे जो मॉडर्न मैथमेटिक्स को जिसको भी देखते हैं, फिजिक्स के नियमों को देखते हैं तो ये एक तरह के नियम है। परमात्मा के यहाँ किस किस तरह के चलते हैं और उस वो जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसका अपना है, हम थोड़ा थोड़ा इसको जानते हैं। और ये क्या चलता है, P1 = P1 = F, लगभग बराबर, सब एक ही हैं। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो कुछ नहीं, सब एक ही है। ये फिर दिस इज ए मैटर ऑफ डिस्कशन और बड़ा लंबा चौड़ाई नहीं, बड़ा गहन है। अपनी अपनी समझ के अनुसार यह होगा, ये होता है। इसलिए यह अपने बेसिक रूल को जो हम कहते हैं कि ब्रह्मांड का कंस्टिट्यूशन है, विशेष रूप से हमारे ब्रह्मांड का ये जो है, ये जो ग्लोब है, ये जो है कंस्टिट्यूशन है, वह इसके अनुसार ऐसे ही कार्य करता है। और फिर 5-6 ये जो बने इसके ऐसे ही कार्य करेगा और ऐसे करेगा, इस तरह से करता है। और भारत का वर्तमान जो संघर्ष है, वर्तमान जो विप्लव है, वह ऐसे ही है। और यदि ये ऐसे ही होता है तो इसमें क्या होगा, इसके वी कैन डिड्यूस द रिजल्ट्स कि ऐसा होगा। कम से कम हमारे अनुसार तो ऐसा होगा कि कौन हिट होंगे, कौन दुख पाएंगे, कौन कैसे न्याय। मान लो कोई लोग हिट होते हैं तो वे भी लोगों को हिट करेंगे और दूसरे लोग भी हिट होंगे। इसलिए हमने हमारा ये रिजल्ट आज का सब्जेक्ट लिखा है कि समस्त भारत के लोग, विशेष रूप से सबसे पहले इलीट वर्ग, मेरी सब बातों को ध्यान से सुन लो, विशेष रूप से प्रार्थना वाली बात को ध्यान से सुन लेना, वरना बड़ा भयानक भयानक होगा। वह हमें खड़ा दिखता है, यह हो सकता है, हम उसको टाल भी सकते हैं, कैसे कैसे। देखिए फिर हम उस लास्ट रिजल्ट से पहले हम ये हमारा ट्रायंगल नंबर 8 लेते हैं कि कोई भी काम आप करना चाहते हो वो कैसे कैसे होगा। आप करो कि भाई ये गिलास हमने यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, ये फिजिकल वर्क हुआ, ये हमारा कर्म है। यह एक कर्म हमारा फिजिकल रूप में है, दूसरा हमारा मानसिक और अति मानसिक रूप में है। हम प्रार्थना से भी काम करवा सकते हैं। हम प्रार्थना करें कि परमात्मा ये गिलास यहाँ से यहाँ आ जाए, हमको खाना हो मिल जाए, या हमारे या हमारा बच्चा सही हो जाए या ये हो जाए, वह प्रार्थना से भी काम किए जा सकते हैं।
प्रार्थना में हमने बड़े काम, हमने बड़ी गहन रिसर्च की है और हमें ये रिजल्ट मिला है कि प्रार्थना में भी काम किए जा सकते हैं। लेकिन इसको भौतिक रूप से ये मत करना कि प्रार्थना करो मैं समझ जाऊंगा, यदि तुम गिलास को इधर से उधर रखते हो तो मैं मानूं, ऐसा मत करिए। ऐसा भी बहुत पहुंचे हुए लोग ऐसा कर सकते हैं। हम छोटे मोटे प्राणी जो हमने देखा है कि प्रार्थना के रिजल्ट्स अद्भुत रिजल्ट्स हैं। आप प्रार्थना करो और वह चीज पाओ। फिर लोग प्रार्थना चीज क्यों नहीं पाते, ये फिर एक अलग सब्जेक्ट है। हम कभी कभार प्रार्थना के बारे में बोलते रहते हैं और विशेष रूप से प्रार्थना ही प्रार्थना के बारे में घंटों कभी बोलेंगे तब थोड़ा बहुत कोई समझ में आएगा। और इसमें तीसरा है कि भाई परमात्मा के भरोसे छोड़ दो। तो इसमें क्या हुआ, प्रार्थना कर्म और परमात्मा के भरोसे। इसलिए आप अपने कर्मों से, प्रार्थना से, परमात्मा का विश्वास करने से आप रिजल्ट को चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे हैं वह रिजल्ट क्या आ रहे हैं कि प्रेजेंट पास्ट प्लस प्रेजेंट मिल करके फ्यूचर का रिजल्ट आ रहा है। यदि आप पास्ट तो हो गया जो हो गया, प्रेजेंट को यदि तुम चेंज करो, सही ढंग से चलो, तो फ्यूचर का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से हैं कि नहीं, ये अलग डिस्कशन है, ये अपन कभी बाद में अपन डिस्कस कर सकते हैं। पहले हम आज का सब्जेक्ट हो गया, थोड़े से में और बताते हैं कि ये करो कि समस्त भारत ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा। क्या हो सकता है और उसको अवॉइड करो कि ऐसा नहीं हो। क्या लाखों करोड़ों भारतीय परिवार अपने प्यारे बच्चों को तड़पते नहीं देख सकेंगे और प्रार्थना करेंगे कि भगवान भी मरी जाएं। ऐसी भयानक हालातें भारत में पैदा हो जाएंगी। इनको आप गप मत समझिए। हजारों साल से जो तड़फन जो लोगों को दी गई है कर्णधारों के द्वारा, वो वैसे ही नहीं जाएगी, भयानक रिजल्ट दिखा देगी। इसलिए मेरी बात को सुन लीजिए। मैं ऐसा ही किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा, और मैं होता ही कौन हूँ, छोटा सा आदमी, एक अनजान सा कहीं सड़क छाप सा, किसी को मैं डराऊं? मैंने जो रिजल्ट्स परमात्मा का रिसर्च में जो भी पाए हैं मैं आपको बोल रहा हूँ कि शायद इससे लोगों का भला हो। क्या कि लाखों करोड़ परिवार अपने अपने प्यारे बच्चों को तड़पता मरता हुआ नहीं देख पाएंगे और कहेंगे कि भाई मर जाएँ तो अच्छे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और होगा यदि हम इसी रास्ते पर चलते रहे। क्या हो सकता है, चीन और पाकिस्तान संयुक्त रूप से परमाणु हमला कर सकते नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो चीज़ जिसके लायक हो गया वह चीज़ आ सकती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खास प्रोपोर्शन में मिलाने से, खास कंडीशन में तो पानी बनेगा। 20-25 साल के लड़के लड़कियों को एक साथ मिलेंगे ऑफिस में या जहाँ कहीं भी, तो उनमें तो प्राकृतिक रूप से प्रेम के या आकर्षण के अंकुर पैदा होंगे। इसमें आप और हम क्या करें। भारत में सिविल वार, कास्ट गैंग वार होगा यदि हम नहीं संभले तो। हमने ये सिद्धांत पर इनका पालन नहीं किया तो गहनता से लोगों ने नहीं, और जितने रूप में करेंगे उतने रूप में ये सारा अवॉइड हो जाएगा। तीसरा, ये देखिए, लॉकडाउन से समझ लो, बेरोजगारी से समझ लो, भुखमरी से समझ लो, और कर्णधारों की भयानक प्लानिंग से समझ लो कि जीडीपी डाउन कर दो, अरे सबको भूखा मरने दो। हमारे लोगों के पास तो क्या है, 100 रुपये में से 50 गए, 100 गए, 1000 रुपये में से 50 गए, तो हमारे तो लोगों के पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9.5 से रह जाएंगे। जिसके पास में 100 ही रुपये 50 रुपये, उसका तो मटिया मेट हो जाएगा। हो जाने दो, इसी सिद्धांत पर हमने पहले राज किया, अभी राज करो, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यदि ऐसा ही लॉकडाउन, बेरोजगार, भुखमरी चली तो मारामारी होगी और आदमी आदमी को खाएगा। ऐसा मत होने दो। मेरी सुनो, विशेष रूप से प्रार्थना वाली बात तो सुन लो, जिससे कि अच्छा भारत में हो। और हम
प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं, महामारी की बात करते हैं, कोई भी प्राकृतिक आपदा, कोई भी महामारी ऐसे नहीं आ जाती, उनको परमात्मा भेजता है। परमात्मा क्यों भेजता है? कि उसके बच्चे उसके लायक होते हैं। उसके लायक बच्चे क्यों लायक होते हैं? क्योंकि अज्ञानता की वजह से वे बच्चे ऐसा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, जिससे कि उनके लिए भयानक एक्शन जरूरी हो जाता है। इसलिए हमारा कहने का मतलब कि प्राकृतिक आपदाएं, ये महामारी ऐसे नहीं आ जाती, ये हमारे कर्मों से, हमारी मेंटल वाइब्रेशन से, हमारे एंटरटेनमेंट से आती हैं। यह जो उत्तराखंड की ट्रेजेडी आई, ऐसे नहीं आ गई, 20,000 लोगों को हाहा कर कर करके निगल गई, ऐसे नहीं आ गई, ये हमारे कर्मों में, हमारे कर्मों में उस वो नहीं था कि हमने ऐसा क्यों क्यों जाए। हमारे समझ में नहीं आता कि हमने ऐसे कर्म कब कर दिए, लेकिन वे कर दिए। डिटेल हम बोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा शायद आपको समझ में आए। उसके बाद में जो मिलिट्री का आएगा कि भाई अरे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, मिलिट्री भी क्या करेगी, मिलिट्री अपने लोगों को नहीं मार सकती, और वो चूँकि वह भी बटी हुई है कि कौन है किसका है, और जो जाति प्रथा ने भारत का जो सत्यानाश किया है वह उसको हम अभी भी नहीं संभाल रहे, और ये कोई उसकी चिंता नहीं कर रहा, इसलिए मिलिट्री भी अपने अपने ग्रुप में बट जाएगी, और उल्टा जो कहेंगे कि हमारी रक्षा करो कर्णधार कहेंगे, वह उन पर ही टूट पड़ेगी। मेरा ये विचार है, मेरा ये रिजल्ट है। इसलिए देखो हम बोलते रहते हैं कि ये कर्णधार, ये लोग तो भागेंगे, छुप जाएंगे, जेल जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, ऐसा ऐसा होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे दूसरे लोगों को कितना ही नुकसान करके ये हो, चाहे 8,000 करोड़ के दो दो सुपर विमान खरीद लो, वह रक्षा के लिए नहीं, वह भागने के भी काम आ सकते हैं। लेकिन लोगों, आपको चेतना है, आप नहीं चेते, मेरी आवाज़ नहीं सुनी, जैसा मैं कहता हूँ दूसरे, आपको ये देखना है कि ये मंगल क्या बोल रहा है, इसलिए फिर सुन लो। समस्त भारत के विशेष रूप से सबसे पहले भारत का इलीट वर्ग, मेरी सब बातों को नहीं तो विशेष रूप से प्रार्थना वाली को बात को सुन लेना, वरना ऐसा ऐसा ही होगा। प्रार्थना में मेरे साथ बैठ जाना, मेरे साथ नहीं तो अपने घर बैठ जाना। कर्म तो लोग कर ही रहे हैं, और बड़ा भयानक भयानक नहीं हो जाए, वो लाल लाल नहीं हो जाए, ऐसा ऐसा, क्योंकि हम तो उसके आसपास पहुंचते ही जाते हैं, हमको तुरंत चेतने की जरूरत है। आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत। 20-22 का मिनट का वीडियो हो गया, बहुत लंबा है, इतना कौन सुने, लेकिन हमारे प्रेमी लोग, रिसर्चर लोग, जो भी आज नहीं तो कल इन बातों को सुनेंगे, सुने बिना काम चलेगा ही नहीं, नहीं सुनेंगे तो भयानक परिणाम भुगतने को तैयार होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं नहीं चाहता कि भारत में ऐसा हो, इसलिए हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत।